तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी यार काफी टाइम से वही पीसी बिल्ड वाली वीडियोस कर करके बोर हो चुका था मैं। आई होप आप लोग भी कहीं ना कहीं तो यार थोड़ा बहुत बोर हो चुके होंगे। एंड मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं भाई, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं ताकि आप लोगों को भी देखने में मजा आए। तो थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया एंड मैंने यार 1500 रुपए में एक ग्राफिक कार्ड खरीद लिया, जो की है GT 1030 2017 वाला वेरिएंट। भाई 5 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है, हालांकि 6 साल हो जाएंगे अभी। एंड इस वाले ग्राफिक कार्ड को मैंने खाली 1500 रुपए में परचेस किया यार, जो कि अमेजिंग प्राइस है इस वाले ग्राफिक कार्ड के लिए। आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे परचेस किया, कहां से परचेस किया। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कैसे परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ में भाई इसके ऊपर फुल टेस्टिंग करेंगे यार, मतलब नए एकदम लेटेस्ट गेम्स डाल के देखेंगे कि भाई 5-6 साल वाला पुराना ग्राफिक कार्ड अभी के टाइम पे कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक, एंड आप देख रहे हो हमारा टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को फ्यूचर में मिलती रहेंगी। एंड कोई गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बनवाना था तो अब आपका गेमिंग पीसी हमसे ही बनवा सकते हो एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। यहां पे जाके मैसेज करके प्रॉपर डिस्कशन करके आप अपने लिए एक ब्रांड न्यू गेमिंग पीसी हमसे बनवा सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। तो गाइस ये रहा वो ग्राफिक कार्ड, इसकी आप लोग कंडीशन देख लो। अब भाई 3 साल से ज़्यादा ये ग्राफिक कार्ड यूज़ हो चुका है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे टोटल रिस्क लेने वाला जैसा काम था, एंड यहाँ पे विथाउट वारंटी वाला ग्राफिक कार्ड लेने से पहले प्रॉपर टेस्ट करके देख लो। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं सूरत में रहता हूँ, तो सूरत से ही मैंने इस वाले ग्राफिक कार्ड को परचेस किया है। ज़्यादा दूर भाई नहीं रहते थे, मैं गया प्रॉपर टेस्ट करके इस वाले ग्राफिक कार्ड को लेके आया हूँ। एंड 1500 रुपये देखते हैं कि यार वर्थ है या नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे थे कोई पुराना ग्राफिक कार्ड लेने की, मतलब जैसे ये या फिर कोई और ग्राफिक कार्ड, तो आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, साथ ही साथ में कैसे आप टेस्ट करके ले सकते हो। एंड यहाँ पे इस वाले ग्राफिक कार्ड का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। एक आगे छोटा सा फैन देखने मिल जाता है, जो कि भाई हीट तो करेगा यार इस वाले ग्राफिक कार्ड को, क्योंकि हम इसको ओवरक्लॉक भी करने वाले हैं। तो यार वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दो फटाफट से। एंड साथ ही साथ में पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को एक HDMI पोर्ट देखने मिलता है एंड एक VGA पोर्ट देखने मिल जाता है। तो दो मॉनिटर अगर आप चाहो तो भाई इस 1500 रुपए वाले ग्राफिक कार्ड पे खरीद सकते हो। अब देखो ये ग्राफिक कार्ड जब मैं वो भाई के यहाँ टेस्ट कर रहा था ना, तब भी यार स्ट्रेस टेस्ट पे इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा जा रहा था। तो मैंने इस वाले ग्राफिक कार्ड को खोला एंड इसके अंदर जो थर्मल पेस्ट था वो चेंज कर दिया। थर्मल पेस्ट एकदम मतलब सूख गया था, मैंने नया थर्मल पेस्ट लगाया। अभी टेम्परेचर काफी अच्छे खासे है, साथ ही साथ में इसका फैन भी यार उतना अच्छे से नहीं घूम रहा था। तो थोड़ा सा क्लीन व्लीन करने के बाद अभी ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है थोड़ी कंडीशन भी अच्छी है। हालांकि जब मैं लेके आया था तो इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, अभी थोड़ा सा मतलब साफ मैंने किया है तो अभी आप लोग देख सकते हो कैसा दिख रहा है। टेस्टिंग करने से पहले बता दूं, ये वाला ग्राफिक कार्ड मैंने एक फ्रेंड के लिए परचेस किया है, जो कि यार ड्यूल कोर सिस्टम यूज कर रहा है। उसको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी थी, GTA 5 जैसे गेम खेले थे, तो उसने बोला भाई सस्ते में कोई कार्ड मिलेगा, एंड उसी ने मुझे ये OLX वाला मतलब जो ऐड है उसका लिंक भेजा था। तो मैंने टेस्ट करके लिया ये वाला ग्राफिक कार्ड। अब यहाँ पे मैंने सोचा एक वीडियो भी बना ले ताकि यार थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए, कंटेंट भी मिल ही जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग कोई ऐसा यूज्ड ग्राफिक कार्ड ले रहे हो जिसके अंदर वारंटी अभी बची हुई है, उसके बाद भाई थर्मल पेस्ट खुद से मत चेंज करना, क्योंकि वारंटी वॉइड हो जाएगी तो फालतू में अगर कार्ड खराब होगा तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर वारंटी खत्म हो गई है तो ही भाई थर्मल पेस्ट वेस्ट चेंज करें। एंड सबसे बेकार चीज़ ये है कि भाई ये वाला जो ग्राफिक कार्ड अगर आप नया लेने जाते हो ना, अभी भी भाई आपको 7-8 हज़ार रुपये मिलता है, जो कि ट्रस्ट मी एकदम ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है इस वाले ग्राफिक कार्ड के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में बताऊंगा कि भाई आप लोगों को ये वाला ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे आप नया ले रहे हो या पुराना ले रहे हो। तो चलो फटाफट से इस वाले कार्ड को अपने सिस्टम पे लगाते हैं, जो कि है ये रहा पीछे। एंड हमारे सिस्टम स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं Ryzen 5 3600 यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही 16 GB के यहाँ पे मैंने RGB रैम लगाई है भाई, XPG वाली B450 मदरबोर्ड है एंड 450 वोल्ट का PSU है। एंड इस वाले ग्राफिक कार्ड को हमने इसमें लगा दिया। एंड भाई ये अच्छी बात ये है कि भाई ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ना, ये यार मदरबोर्ड के PCI स्लॉट से ही पावर ले लेता है। तो अगर आप कोई पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे थे ना जिसके अंदर PSU यार 400 मतलब चालू चिल्लर PSU है, तो उस वाले सिस्टम में भाई ये वाला कार्ड आप लगा सकते हो एंड गेमिंग का लुत्फ उठा पाओगे कि नहीं वो भाई बेंचमार्क देखने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करना। तो गाइस गेमिंग करने से पहले मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत एडिटिंग करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रीमियर प्रो में मैंने 1080p वाली फुटेज डाली इंपोर्ट की एंड यहाँ पे 5 मिनट की मेरी फुटेज थी, थोड़ा बहुत इफेक्ट डाले, ट्रांजिशन डाले। उसके बाद जब मैंने रेंडरिंग पे रखा ना भाई, 5 मिनट वाली फुटेज को ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसने यार रेंडर करके दिया मुझे 25-26 मिनट में। मतलब थोड़े बहुत यार हैवी इफेक्ट भी मैंने डाल दिए थे 3D वाले एंड थोड़े बहुत मोशन इफेक्ट्स भी थे। तो मतलब अगर आप समझ रहे हो कि आप अगर ये वाला ग्राफिक कार्ड एडिटिंग के लिए ले रहे थे ना, तो भाई इतना टाइम आपको देना पड़ेगा यार रेंडरिंग में, तो ये सोच के ये वाला ग्राफिक कार्ड लेना। तो अब देख लेते हैं यार गेमिंग बेंचमार्क्स। अब यहाँ पे सबसे पहला गेम जो मैंने चला है वो है गॉड ऑफ वॉर, जो कि एकदम लेटेस्ट गेम ही आप इसको कह सकते हो। इसको मैंने 1080p लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग पे प्ले किया था एंड जो नॉर्मल में ये मुझे FPS निकाल के दे रहा था ना, एकदम बेकार से FPS मिले थे भाई।
मतलब 20-21 FPS मिल रहे थे यार, एकदम गेम बिल्कुल भी प्लेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो इस वाले गेम को यार प्लेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने AMD की FSR 2.0 टेक्नोलॉजी को परफॉर्मेंस मोड पे एनेबल किया। उसके बाद यहाँ पे जो FPS में वो 10 FPS का जंप मिला, 30-32 FPS मिल रहे थे, गेम भाई प्लेबल था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इसको एनेबल करने के बाद थोड़ा सा जो आपका रेजोल्यूशन है कम हो जाता है, बट आप एटलीस्ट गेम को खेल पाओगे। 720p पे अगर आप करते हो तो भी आप मैन्युअली खेल सकते हो, तो 30-35 FPS आपको गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम में निकाल के दे देता है, जो कि प्लेएबल FPS है। मतलब यार एकदम मजा नहीं आएगा, बट ऐसा सोचो कि आप गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम एक 1500 वाले ग्राफिक कार्ड के ऊपर खेल रहे हो, जो कि 6 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है। वहीं दूसरा गेम जो मैंने इसमें चलाया है वो आप सभी का फेवरेट है, GTA 5। इसको मैंने चलाया है 1080p लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग पे। यहाँ पे जो FPS मिल रहे थे वो 45 टू 50 FPS मिल जा रहा था, जो कि यार एंजॉयबल FPS है। तो अगर आप GTA 5 जैसा गेम खेलना चाहते हो तो भाई 50-60 FPS आपको निकाल के दे देगा ये वाला ग्राफिक कार्ड, जो कि 1500 रुपये यार टोटल वर्थ है। हालांकि अगर आप एक APU भी लेते हो ना अभी के टाइम पे, एंड उसमें ड्यूअल चैनल वाला रैम लगाते हो, तब भी आपको इतना FPS मिल जाता है। तो एट द एंड ये वाला ग्राफिक कार्ड अगर आप नया लेने जाते हो तो भाई बात बिल्कुल सेंस ही नहीं बनाती है यार। मतलब 7-8 हज़ार रुपये आप ऐसे डेडिकेटेड GPU के लिए दे रहे हो, जो कि आपको APU जैसी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं। तो बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना नया, तो इसको भूल के भी परचेस मत करना। अब इसके बाद जो अगला गेम मैंने चला है वो है Battlefield 5। Battlefield 5 के ऊपर यहाँ पे 1080p लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग में ये वाला ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करा रहा था 30-35 FPS। तो एवरेज एक पकड़ो यार, 30-35 FPS आपको मिल जाएंगे अगर आप ज़्यादातर नए गेम खेलते हो। हालांकि पुराने गेम्स खेलते हो जैसे GTA 5, तो यहाँ पे 50-60 FPS का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। हालांकि Battlefield 5 में भी मतलब प्लेएबल था, आपका एक्सपीरियंस प्लेएबल रहेगा। एंड वही ओवरक्लॉक अगर आप कर देते हो, इसको ज़्यादा ओवरक्लॉक नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक करने के बाद यार 3-4 FPS आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो 40 FPS का एक टारगेट आप पकड़ लो अगर इसको ओवरक्लॉक कर देते हो सेकेंड हैंड लेके। नया लेके भी ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट नया मत लेना, सेकेंड हैंड लेके अगर खेलना चाहते हो तो ओवरक्लॉक करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्री में परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। एंड जो भी मेरे ओवरक्लॉक्स के सेटिंग थे वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हो। मैंने मेमोरी क्लॉक को 200 के आसपास प्लस किया था, एंड जो कोर क्लॉक था उसको शायद 100 या 150 के आसपास। हालांकि ज़्यादा ओवरक्लॉक कर रहा था तो भाई स्क्रीन ब्लू हो जा रही थी, तो ज़्यादा ओवरक्लॉक नहीं होगा, थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक होगा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको फ्री में मिल जाएगी। एंड इसके बाद जो गेम प्ले किया था वो है शैडो ऑफ टूम रेडर। भाई साहब इस गेम में इस वाले ग्राफिक कार्ड की फाड़ के रख दी यार, मतलब 25-30 FPS भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से निकाल के दे रहा था। एंड एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो तो भाई ज़्यादातर गेम्स में जब भी मैं प्ले कर रहा था GPU यूजर्स था वो 100% था, यानी कि यार पूरी तरह से ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है यूटिलाइज हो रहा था। उसके बाद भी भाई 25-30 FPS मिल रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वाली बात है। मतलब शॉकिंग क्या यार, उम्मीद ही थी कि यार इससे ज़्यादा FPS नहीं देगा ज़्यादातर नए गेम्स में, हालांकि पुराने गेम्स में ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहा है। एंड एट द एंड जो आखिरी गेम मैंने प्ले किया है वो डेज गोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना ग्राफिक कार्ड है, बट ग्राफिक्स यार इसके एकदम कमाल के हैं। अभी रिसेंटली मैंने प्ले करना शुरू किया है, मज़ा आ रहा है यार ये वाला गेम खेलने में। अंडररेटेड गेम आप इसको कह सकते हो, अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है ना तो भाई इस वाले गेम को एक बार जरूर से चेकआउट करना, ट्राई करा, मज़ा आ जाएगा। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो यार, मतलब पता है ना आप लोगों को, जुगाड़ में मिल जाएगा गूगल से, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। इस वाले गेम में भी भाई ये 25-30 FPS निकाल के दे रहा है इतने पुराने गेम। तो इतने ही मैंने गेम इसके ऊपर चलाए हैं, एंड ज्यादा गेम चलाने की इच्छा नहीं हुई। हालांकि इसके ऊपर मैंने Forza Horizon 4 भी चलाया था, जिसके अंदर ठीक ठाक से FPS मिल रहे थे, प्लेबल एंजॉयबल FPS। अब देखो एट द एंड कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा ना कि भाई दिस ग्राफिक कार्ड सक्स। मतलब यह है कि यार NVIDIA इसको अभी भी 8000 रुपये में क्यों बेच रहा है यार, मतलब। एंड काफ़ी सारे लोग ले भी रहे हैं, इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि विवेक भाई GT 1030 ले ले यार, या फिर 730 ले ले। भाई साहब इन ग्राफिक कार्ड से दूर रहो यार। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, मतलब जो 10-12 हज़ार रुपये के आसपास जो ग्राफिक कार्ड आते हैं ना, स्पेशली नए वाले, सारे के सारे ग्राफिक कार्ड परचेस कर लूँ। जैसे T400 हो गया, 1030 हो गया तो अवेलेबल है, 730 हो गया, अभी RX 6400 भी आपको मिल रहा है 10500 में। तो ऐसे जो भी ग्राफिक कार्ड है ना सबको परचेस करूँगा, प्रॉपर यार कंपेरिजन करेंगे, करेंगे कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको लेना चाहिए, मतलब आपको एंड में कंक्लूजन पता चलेगा, ताकि आप ऐसे फालतू वाले पैसे अपने वेस्ट मत करो ऐसे ग्राफिक कार्ड पे यार, जो कि मतलब 20-25 FPS आपको निकाल के देता है 7-8 हज़ार रुपये में अगर आप नया लेते हो। हालांकि इसको सेकेंड हैंड में मैंने 1500 रुपये में परचेस किया है, तो अगर 1500 रुपये के हिसाब से अगर आप जस्टिफाई करो ना तो ठीक है। मतलब अगर आप एक ऐसा पुराना PC यूज़ कर रहे हो, ड्यूअल कोर वाला, i3 वाला, Core 2D वाला, यार 3rd-4th generation वाला, उसमें PSU एकदम सस्ता वाला है, आपको PSU अपग्रेड नहीं करना है, एंड आपको बजट में कोई सस्ते में ग्राफिक कार्ड चाहिए एकदम चीप में 1500-2000 रुपये में, तब आप यार यूज्ड मार्केट में देख लेना, OLX पे मिल जाएगा, क्विकर पे मिल जाएगा, नज़दीक में भी आपको मिल जाएगा यार ये वाला ग्राफिक कार्ड, क्योंकि मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होता था, एंड 3 साल रगड़ने के बाद कोई भाई इसको आराम से आपको 1500 या 2000 में दे देगा। तो
सेकेंड हैंड अगर ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे थे तब आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। पुराने गेम्स मतलब आप खेल पाओगे, बाकी नए गेम्स का कंडीशन मैंने आपको हाल बता दिया कैसा है। 25 से 30 FPS से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना भाई 1080p पे। 720p पे अगर रेजोल्यूशन कम करके खेलना चाहो तो भाई ठीक है 45-50 FPS मिल जाएंगे, बाकी अभी के टाइम पे 720p पे यार कौन गेमिंग करता है, मतलब आप लोग करते हो क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस टाइप की वीडियो आप लोगों को फ्यूचर में चाहिए, मतलब ऐसे 5-10 साल पुराने वाले ग्राफिक कार्ड खरीद के उसके ऊपर नए एकदम हैवी वाले गेम चला के देखे, अगर ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड है आपके नज़र में तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, परचेस करेंगे एंड मस्त यार टेस्ट वेस्ट करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, 500 ही वाली वीडियो का लाइक है। बाकी मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।